मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि खगोल विज्ञान की दृष्टि से हजारों साल से उज्जैन का महत्व रहा है। उज्जैन की पहचान अब धार्मिक नगरी के साथ ही विज्ञान की नगरी के रूप में भी स्थापित होनी चाहिए। संस्कृति के संवाहक हम लोग हैं वो खोजपूर्ण संस्कृति है, और खोजपूर्ण संस्कृति होने के नाते से हजारों साल से हमारे यहां नित नूतन रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए रिसर्च में भी रिसर्च का एक तरह से वो कैसे संबंध जुड़ेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे यहां ऋषि मुनियों की परंपरा है, और ऋषि मुनियों की परंपरा में मुनि तो अपने आप में वो अपना पूरा जीवन एक तरह से ब्रह्मचर्य को धारण करके व्यक्तिगत साधना में लगाते हैं। आईआईटी इंदौर द्वारा उज्जैन में डीपटेक रिसर्च इंस्टीट्यूशन का एक तरह से तीन लेबोरेटरी का आज शुभारंभ किया गया, और हमने पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो एमओयू किया है कि आईआईटी का ये रिसर्च सेंटर अपने आप में बड़ा सेंटर बने जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश को सौगात मिलेगी, देश के लिए बड़ी सौगात रहेगी। मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार मानता हूं जिन्होंने इसकी आज शुरुआत कर दी। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर के लगभग 700 करोड़ के आसपास इस पर खर्च करने वाली है। पैसे का सवाल नहीं है, जो उपलब्धि हो रही है खास करके आधुनिक समय की दृष्टि से मध्य प्रदेश ज्ञान का हब बने, ये एक एकेडमिक दृष्टि से बड़ी एक अपनी सौगात है, और ये हमारा अपना जैसा माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुभकामना भी कहा है कि एकेडमिक संभावना का प्रदेश मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश इसको लीड करे पूरे देश में। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को भी आभार मानना चाहता हूं जिसके कारण से उनकी सरकार में त्वरित गति से इस प्रकार से मध्य प्रदेश को एक के बाद एक सौगात मिल रही है। 8 दिन के अंदर दूसरी बड़ी सौगात एक वैदिक घड़ी की माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी जब हमारा विक्रमोत्सव का शुभारंभ हुआ, और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के माध्यम से बड़ी सौगात इंजीनियरिंग कॉलेज को मिली है मेरी अपनी ओर से।